खबर रीवा से है। चोराटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी गांव में नदी के किनारे गांजे की खेती की जा रही है, जहां लहसुन और अन्य सब्जियों के बीच सैकड़ों गांजे के पेड़ लगाए गए हैं। ये खेती पुरानी पंचायत के सिग्मा के खेत में की जा रही है। क्षेत्र के जागरूक युवाओं ने जब मौके पर इसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि खेत की रखवाली कर रहे गणपत ने बताया कि सिद्धनाथ द्विवेदी का ये खेत है और धनेश द्विवेदी उर्फ भूरे अधिया लेकर गांजे की खेती कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो जहां गांजे की खेती की जा रही है और रखवाली करने वालों ने क्या बताया है। हालांकि विराट 24 न्यूज के द्वारा उक्त मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को दी गई तो उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये गांजे की खेती लहसुन प्याज के साथ, इतने पेड़ और इतने पुराने पेड़ भी हैं यहाँ। अब बताओ केकर खेत आए? केकर खेत आए? केकर लायको है साली पूरे पंडित जी लाए हैं, को लाए हैं, ठास में लाए हैं। कब से लाए हैं ठास में? अब हम कहा जानी, हम कहा समय भरा रहा। तो जो यहाँ गांजा के पेड़ लगे हैं इतने मोटी मोटी, कब से लगे हैं? हमको नहीं मालूम। ये तो बहुत मोट पेड़ है, क्या कहवे के बारे में? नम का कहीं नम पीते नहीं, जनते ना हम कुछ। अब जब बोइस लगाई सुबह जाने तो हाँ ना कहा है माँ नाम गणपत। गणपत कहाँ क्या है? मरिया क्या ना, वो अपन नहीं चीनी नहीं है, कहीं जानी नहीं है। तो यह बताओ कि ये कौन जगह में खड़े हैं? यह सिग्मा यार, सिग्मा खड़े हैं नदी के किनारे। ये है ग्राम है तो क्या कह रहे हो? सहजना ग्राम कहा थे, कहा नदी के किनारे है ना, पुरानी पंचायत है। ठीक है। खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।